गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर सेकंड सुनामी। वी आर डिस्कस अबाउट टू एंड थ्री स्टोरीज एंड इन दिस चैप्टर देर आर मैनी स्टोरीज ऑफ ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी के दौरान की छोटी छोटी कहानियों का इसमें वर्तांत जो हमारे सामने रखा हुआ है। चैप्टर है अपना क्लास एट लेसन नंबर टू, सुनामी। इसमें हमने चैप्टर में कुछ कहानियां पढ़ी, संजीव पुलिस वाले की पढ़ी, मेघना की कहानी पढ़ी। उससे पहले जो आपके स्टार्टिंग में इसके अंदर था कि इग्नेसस वोज ए मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक, उसकी कहानी पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने संजीव पुलिस वाले की कहानी पढ़ी, किस तरह से फ्लड आती है, किस तरह से चारों तरफ पानी फैल जाता है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, किस प्रकार वो अपनों को बचाने का प्रयास करते हैं। उसमें उन कुछ साहसिक लोगों की कहानियां आपके सामने हैं। अभी हम जो कुछ नई जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी है आपकी अल्मास जावेद नाम का एक बच्चा है। अल्मास जावेद कौन है? बच्चे का नाम क्या है? अल्मास जावेद। क्या नाम है? अल्मास जावेद वॉज टेन ईयर्स ओल्ड। अल्मास जावेद 10 साल का एक बच्चा है, 10 साल का था। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ, क्या है? अल्मास जावेद वॉज ए टेन ईयर्स ओल्ड। अल्मास जावेद कोई लड़की का नाम है। एंड सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट। इन पोर्ट ब्लेयर where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nanakwari, NANCOWRY, नानकवरी में उसका घर था। नानकवरी आइलैंड पे उसका क्या था? उसकी माताजी का घर था। हर मदर्स रहिलास होम वॉज इन नानकवरी आइलैंड, तो उसका घर था। द फैमिली हैड गॉन, और परिवार गया हुआ था। द फैमिली हैड गॉन परिवार गया हुआ था। There to celebrate Christmas. परिवार वहां क्रिसमस मनाने के लिए या क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था।
इतनी बातें थी वो जो मतलब ये तो उनकी स्टोरी का बैकग्राउंड चल रहा। अलमाज जावेद वो 10 ईयर्स ओल्ड, अलमाज जावेद 10 साल की एक लड़की थी। सी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट विद्यालय की छात्रा थी। वह हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, वहाँ पर उसके पिता ने एक पेट्रोल पंप बना रखा था। हर मदर रहीलाज होम वोज इन नानकवारी आइलैंड, और उसके माताजी का जो गांव था घर था वो नानकवारी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गोन वह देयर टू सेलिब्रेट, फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और परिवार वहाँ पर क्रिसमस है वो मनाने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। वैन द ट्रेमस केम, वैन द ट्रेमस, वैन द ट्रेमस यानी भूकंप आया, धरती में कपकपाट आई, थर्राट आई। वैन द ट्रेमस TREMORS द ट्रेमस केम, वैन द ट्रेमस केम जब भूकंप आया। Tremors came early in the morning. Tremors came early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. जब सुबह जल्दी. When the tremors came early in the morning. जब सुबह जल्दी का समय था. परिवार उस समय क्या हुआ था? कि जब क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था, सेलिब्रेट टू क्रिसमस। एंड व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। तो परिवार उस समय जब अर्ली मॉर्निंग, सबको पता ही है परिवार सोया हुआ ही रहता है। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी ही भूकंप आया या धरती में कंप कपाट शुरू हुई, थर्राट शुरू हुई, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार है वो सोया हुआ था। आलमस फादर सा द सी वॉटर, एल्मास फादर सा द सी वॉटर, सी उसके पिताजी ने देखा। अलमास फादर साद सी वॉटर रिसीड यानी पीछे गया हुआ है, समुद्र का जो पानी है उसने क्या किया हुआ, रिसीड किया हुआ है यानी पानी पीछे की तरफ गया हुआ है। रिसीड में मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जो अपनी जगह होता है वहां से पीछे की तरफ, रिसाइड यानी बैक साइड में चला जाना। सी वॉटर रीशेड यानी समुद्र का पानी पीछे की तरफ गया हुआ, और जब भी समुद्र में ज्वार बांटा है तो पानी पीछे जाता है तो दुगुनी गति के साथ वो वापस तेजी से आता है और उसका जो तट होता है उसके ऊपर टकराता है। तो उन्होंने देखा कि समुद्र ने जगह छोड़ी हुई है, पानी पीछे गया। ही अंडरस्टूड दैट, तो जो समुद्र के आसपास के लोग होते हैं उनको समुद्र की हर एक मूवमेंट का पता होता है। तो ही अंडरस्टूड दैट तो वह समझ गया। ही अंडरस्टूड दैट कि द वॉटर वॉज, अंडरस्टूड दैट द वॉटर वुड कम, वॉटर वुड कम The water would come rushing back. The water would come rushing back कि पानी तीव्र तेज गति से वापस आएगा। Rushing back with great force. यानी डबल प्रहार के साथ या ज्यादा ताकत के साथ वो प्रहार करने वाला है। कहने का मतलब ही अंडरस्टूड, वह समझ गया दैट कि द वॉटर वुड कम बैक रसिंग बैक, वॉटर वुड कम रसिंग बैक कि यदि पानी वापस प्रहार करेगा, वॉटर वुड वुड कम
रशिंग बैग वॉटर वुड कम, वॉटर वुड कम रशिंग बैग विथ ग्रेट फोर्स, यानी पानी डबल ताकत के साथ, दोगुनी ताकत के साथ वापस तट की तरफ आएगा। ही वॉक एवरीवन, ही वॉक उन्होंने जगाया, ही वॉक एवरीवन, ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड, एवरीवन अप एंड ट्राइड, उन्होंने लोगों को जगाया और कोशिश करी। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड, और कोशिश करी, क्या कोशिश करी, ट्राइड टू रश देम, टू रश देम, टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, टू ए सेफर प्लेस, सब लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करी। यानी ही वॉक अप एवरीवन, उन्होंने सब लोगों को जगाया, एंड ट्राई टू रश देम, और रश यानी पहुंचाने की कोशिश करी, टू ए सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को पहुंचाने की उसने कोशिश करी। एज दे रेन, जैसे ही, मतलब एज दे रेन, जैसे कि वो दौड़ रहे थे, वो अपने आप को बचा रहे थे, क्या कर रहे थे, एज दे रेन, एज एज दे रेन, जैसे एज दे रेन, जैसे ही वो दौड़ रहे थे, वो भाग रहे थे, एज दे रेन हर ग्रांड फादर वॉज हिट, हर ग्रांड फादर वॉज, हर ग्रांड फादर, हर ग्रांड फादर वॉज हिट, जब एज दे रेन, जब वो दौड़ रहे थे, हर ग्रांड फादर वॉज हिट, तो उसके दादाजी टकरा जाते हैं, कहीं से टकरा जाते हैं, हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, ऑन द हेड, हिट ऑन द हेड, जल्दबाजी में जब वो दौड़ रहे होते हैं, कोई वस्तु उनके सर से टकराती है, हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, बाई समथिंग, अब उतना उनको पता नहीं चला इस बात का, ध्यान करने का कि उनको किस वस्तु से टकराया और क्या हुआ, समथिंग, एंड ही फेल डाउन, एंड ही फेल डाउन, और वृद्ध व्यक्ति था, जैसे टकराए और वो गिर जाते हैं, ही फेल डाउन, वो गिर जाते हैं। उसके बाद हर फादर रश टू हेल्प, हर फादर रश्ड, हर फादर रश्ड, हर फादर रश टू हेल्प, रश टू हेल्प, रश टू हेल्प, मेरे पिताजी जो है, यानी किसके, अलमास के पिताजी जो है, वो दौड़ते हैं सहायता के लिए। हर फादर हेल्प्ड हिम, हर फादर रश टू हेल्प हिम, और मेरे पिताजी उनकी, यानी अपने पिताजी की सहायता के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जाइंट, देन केम द फर्स्ट जाइंट, यानी शैतान कहा है इसको, किसको, लहर को कहा है। देन द फर्स्ट जाइंट वेव, तभी वो पहली शैतान लहर आई, वेव, जाइंट वेव, वो जीवन हरण वाली जो लहर है वो आई, वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, वेव दैट स्वेप्ट, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ, बोथ ऑफ देम अवे, बोथ ऑफ देम अवे, तभी वो उन दोनों को अपने साथ बहा करके ले जाती है। इतनी बात होती है, फिर उसके मम्मी मौसी की बातचीत चलती है, वो हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ जो है। अब एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं, ये थर्ड तीन जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ये तीन जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, ये तीनों पैरा जो हैं, इसको हम स्टडी एक बार रिकॉल करके करते हैं। अभी हमारे पास देखना, अलमास जावेद वाज 10 years old, अलमास जावेद 10 साल की एक लड़की थी। She was a student of Carmel Convent in Port Blair.
पोर्ट ब्लेयर के कॉन्वेंट कॉन्वेंट स्कूल की वह विद्यार्थी थी। वह वहां पर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला होम वोज इन नानकवाड़ी आइलैंड, उसके माताजी का घर जो है वो नानकवाड़ी आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार वहाँ पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए या क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी धरती में कंप कपाट हुआ, भूकंप आया, तब क्या हुआ? द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सोया हुआ था। एल्मोस फादर साद सी वॉटर, उन्होंने देखा कि समुद्र का जो पानी है सी वॉटर रिशीड पीछे की तरफ गया हुआ है, समुद्र है अपनी जगह छोड़ करके उसका पानी पीछे की तरफ गया हुआ है। ही अंडरस्टूड दैट, वह तुरंत समझ गया कि वॉटर वुड कम, कि पानी वापस आएगा रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, दुगुनी ताकत के साथ। एंड ही वोक अप एवरी वन अप एंड ट्राइड, उन सब लोगों को जगाया एंड ट्राइड टू रश देम, और कोशिश करी टू ए सेफर प्लेस, कि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। एज दे रेन, जैसे ही वो दौड़ रहे थे, जैसे ही वो निकल रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उसके दादाजी हिज ग्रैंडफादर हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उसके दादाजी के सर पे किसी प्रकार की चोट लग जाती है। एंड द ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी सहायता करने के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी वो नरबक्सी लहर आती है, वो शैतानी लहर आती है दौड़ करके, जो उन दोनों को बहा करके ले जाती है। इस प्रकार से इस चैप्टर के ये दोनों जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको स्टडी करवाए हैं, ये जो इसके सारे के सारे जो अच्छी स्टोरीज को मैंने आपको समझाया है, आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई मीनिंग्स जैसे इसमें प्रॉब्लम करने वाली है तो नहीं। वैसे देखिए, अलमास जावेद वो 10 ईयर्स ओल्ड, वो 10 साल का था। ही वो जो स्टूडेंट यानी विद्यार्थी होता है, कॉन्वेंट कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर ये जगह का नाम है। वेयर हर फादर की मीनिंग हैड ए पेट्रोल पंप होता ही है। हर मदर यानी मदर होती है। एज सुन होम यानी घर, वोज नानकवाड़ी आइलैंड यानी होता है द्वीप, क्या होता है आइलैंड यानी होता है द्वीप। द फैमिली हैड गोन टू सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, क्या होता है सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए। क्रिसमस यानी आप जानते ही ईसाई धर्म का फेस्टिवल होता है। व्हेन द ट्रेमर्स यानी भूकंप या थरथराहट कंपन, ट्रेमर्स यानी भूकंप, थरथराहट या यूं कहें कंपन, केम अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह जल्दी जब आता है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग यानी सोया हुआ था, परिवार स्लीपिंग यानी सोया हुआ था। आलमस फादर साद सी वॉटर रिशीड यानी पानी पीछे की तरफ धकेलना, गो टू बैक साइड, वाटर गो टू बैक साइड यानी पानी पीछे की तरफ जाना। ही अंडरस्टूड यानी समझना दैट द वॉटर वुड कम रसिंग बैक यानी पानी वापस आएगा रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स दुगुनी ताकत के साथ। एंड ही वॉक अप यानी जगाया एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति को। एंड ट्राई टू रश और दौड़ता है देम टू ए सेफर प्लेस, उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करवाता है। एज दे रेन हर ग्रैंडफादर वाज हिट, ये उसके हिट एंड टक्कर लगना, जैसे ही वो दौड़ रहे थे उसके दादाजी की टक्कर लग जाती है ऑन द हेड बाय समथिंग, किसी वस्तु से उसके दादाजी का सर टकरा जाता है। एंड ही फेल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रस्ट हेल्प हिम, उसके पिताजी उनकी सहायता करने के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तब वो शैतानी पहली शैतान दुस्साहसी वो लहर आती है। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, वो उन दोनों को बहाकर ले जाती है। ये इस चैप्टर का कुछ मीनिंग्स थे और कुछ इसका अनुवाद था, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके करने हैं। इसके मैंने मेन जो मीनिंग्स हैं वो भी वीडियो में आपको बताए हैं, आप उनको लिख के होमवर्क के रूप में। थैंक यू वेरी मच।